ये देखिए हमारा मिंट मार्गरेटा बहुत ही अच्छी शक्ल के साथ रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ, मैं मिंट मार्गरेटा बनाने जा रही हूँ जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का होगा। तो चलते हैं डायरेक्टली अपने रेसिपी की तरफ। मैंने एक पैन लिया, सॉस पैन, इसमें मैं थोड़ी शुगर ऐड करूँगी। शुगर सिरप हमने तैयार करना है। ये आप सिरप बना के रख भी सकते हैं अगर ज़्यादा बन जाए तो, नो इशू। और ये देखें, ये मैंने चीनी, इतनी चीनी ली है तकरीबन, ये मेरे हैं 1.5 कप होगा चीनी का, 1.5 कप चीनी का। और इसमें मैंने ये इतना सा पानी डाला। इसको अब मैंने अच्छी तरह तैयार करना है, जब तक एक तार वाला मेरे पास शीरा सिरप रेडी नहीं होगा तब तक मैंने इसको पकाना है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर वेट करेंगे कि एक तार वाला हमारा सिरप, शुगर सिरप रेडी हो जाए। एक तार वाला सिरप कैसे बनता है वो मैं अभी आपको बनाकर दिखाऊंगी। शुगर सिरप तकरीबन रेडी है, मैंने फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया है। अब मैं लेमन स्क्वीज़ करूंगी इसमें। ये मेरे पास एक लेमन है, थोड़ा सा बड़ा था तो इसमें एक ही इनफ है क्योंकि मैंने सिरप ज़्यादा तैयार नहीं किया। लेमन हो गया है स्क्वीज। शुगर सिरप मेरा बिल्कुल रेडी है जो कि मैंने इसमें स्टोर कर लिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक तार वाला कैसे है। आपने इसमें अपने फिंगर्स लगानी है और इसको ऐसे चेक करना है। ये देख रहे हैं आप, ये इसको बोलते हैं एक तार वाला। और अगर इसी तरह आपकी 2 या 3 तारें निकले तो वो 2 या 3 तार वाला होगा। हमें एक तार वाला चाहिए था जो हमने रेडी कर लिया है फॉर मिंट मार्गरेटा। अब मैं उसकी प्रिपरेशन की तरफ चलती हूँ, कैसे वो तैयार करना है। ये मेरे पास कुछ मिंट लीव्स हैं जिनको मैंने वॉश कर लिया है। अब मैं मिंट लीव्स डालूँगी अपने ब्लेंडर में। ये शुगर सिरप है, इसमें से मैं कुछ सिरप जो है डाल दूंगी। शुगर सिरप और मिंट लीव्स को हमने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। अब इसमें 2 पिंच हम सॉल्ट करेंगे, 2 चुटकी सॉल्ट की, और इसको अगेन ब्लेंड करेंगे ताकि हर चीज़ अच्छी तरह मर्ज हो जाए। हम इसमें लेमन जो स्क्वीज करेंगे। और आप कोई भी सोडा बोतल लेकर इसमें ऐड कर सकती हैं। मेक श्योर के सोडा बोतल वाइट कलर में हो, ब्लैक सॉफ्ट ड्रिंक हमारे पास ना हो। अब मैं इसमें ये ऐड करूँगी। और इसको हम थोड़ा सा शेक कर लेंगे। और ये देखें हमारा मिंट मार्गरेटा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको इस तरह से ग्लास में डाल लेंगे। ये देखें हमारा मिंट मार्गरेटा बहुत ही अच्छी शक्ल के साथ रेडी है।